हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज के हम लोग किस वीडियो में बात करने जा रहे हैं श्रीलंका वर्सेस नामीबिया के हेड टू हेड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, वेदर रिपोर्ट के बारे में, और आखिरी में हम लोग किस वीडियो में बात करने जाएंगे प्लेइंग 11 के बारे में। तो आप सभी लोगों को बस करना इतना है कि इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को इस वीडियो को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि जो ये मैच है ये खेला जाएगा अबू धाबी के शेजर स्टेडियम में, और मैं आपको बता दूं कि इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स टेलीकास्ट करेगा। तो इसके चांसेस तो ये भी है कि ये हिंदी में आ सकता है। दोस्तों इसका मुझे पक्का नहीं पता, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 7:30 बजे एक और मैच खेला जाएगा, वो है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच का, जिसकी वीडियो इसके बाद आएगी। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि ये मैच 7:30 बजे खेला जाएगा, वो तो आपको पता चल गया होगा। और ये मैच आज ही खेला जाएगा और ये होगा मैच नंबर 40 T20 वर्ल्ड कप का। तो चलिए हमने मेन बातें बहुत कर लेती है, तो अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट मेन वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि श्रीलंका वर्सेस नामीबिया के बीच अभी तक एक भी मैच नहीं खेला गया कभी भी। दोस्तों वैसे तो बहुत साल से क्रिकेट चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक इन दोनों के बीच एक भी मैच नहीं खेला गया। और जो ये वाला मैच होगा इन दोनों के बीच का पहला मैच। तो ये सवाल तो उठता ही नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप का भी हेड टू हेड का और नई UAE की जगह का हेड टू हेड का सवाल तो उठता ही नहीं है, क्योंकि जब इन दोनों के बीच मैच नहीं खेला गया तो मैं आपको ये सब कुछ कैसे दिखाऊंगा। तो ये तो बात कर ली हमने हेड टू हेड के भी बारे में। तो अब हम किस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोग अपनी इसके हिसाब से देख पा रहे हो कि पिच रिपोर्ट, दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि अबू धाबी के शेजर स्टेडियम में कुल 47 मैचेस के लिए जा चुके हैं अभी तक। जिस तरह जिसे पहली बैटिंग की है वो कुल 22 बार जीता है, वह जिसे दूसरी बैटिंग की है वो कुल 27 बार जीता है। इसको देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि अभी दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा भारी है, क्योंकि दूसरी बैटिंग करने वाली टीम बैटिंग करने वाली टीम से 5 मैच ज़्यादा जीती है। तो इससे तो अभी अभी टॉस का भी पता चल गया कि अभी जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग का फैसला लेगा। लेकिन दोस्तों जी UAE के स्टेडियम में जब जो बैटिंग करता है वही ज़्यादातर जीतता है, कभी कभार हमें ये भी देखने को मिलता है। तो यह पे हमें बैटिंग करते हुए भी नजर आ सकती है टॉस जीतने वाली टीम। तो दोस्तों ये तो बात के लिए हमने पहली बैटिंग को सेकेंड बैटिंग के बीच की हेड टू हेड के बारे में। वही बात की जाए एवरेज की, तो मैं आपको बता दूं कि पहली बैटिंग का तो एवरेज हो सकता है 130 से लेकर 170 के बीच में, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें टॉस का पता चलेगा, क्योंकि जहाँ पर निर्भर होगी कि कौन टॉस जीता है और कौन इतने रस बनाता है। वही बात की जाए दूसरी बैटिंग के एवरेज की, तो मुझे लगता है कि दूसरी बैटिंग का तो बस एवरेज होने वाला है 140 से लेकर 180 के बीच में। अगर श्रीलंका दूसरी बैटिंग करती है तो शायद श्रीलंका इतने रस बना सकती है। वही बात की जाए हैश रोलर्स स्कोर के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अबू धाबी के शेजर स्टेडियम का हैश रोलर्स स्कोर को जिस प्रकार से रहा है, हैश स्कोर रहा है शेजर स्टेडियम को 225 रन फॉर 7 विकेट खोके, और ये बने थे कुल 20 ओवर में। और मैं आपको बता दूँ कि ये बने थे अफगानिस्तान ने वहाँ भी आयरलैंड के खिलाफ। वही बात की जाए लोएस्ट स्कोर की, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि लोएस्ट स्कोर रहा है इस स्टेडियम का 87 रन फॉर भी ऑल आउट होके, और ये पड़े थे कुल 18.3 ओवर्स में। और मैं आपको बता दूँ कि लोएस्ट स्कोर बनाया था ये हॉन्गकॉन्ग ने, वो भी ये बनाया था ओरब के खिलाफ। तो ये तो बात कर ली हमने पूरे के पूरे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए अब लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो कुछ जिस तरीके का रहेगा वेदर रिपोर्ट, मौसम में तो साफ रहेगा पर इसके किसी भी टाइप की चांसेस दिखेंगे इस वेदर रिपोर्ट में। और जिनको नहीं बता मैं उनको बता दूँ कि मैच शुरू होगा 6 बजे से। मैं आपको बता दूँ कि जो इंडिया की टाइमिंग है उससे 1:30 पीछे है UAE की टाइमिंग, तो इस कारण यहाँ पे 6 बजे शुरू होगा मैच। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि बारिश के चांसेस हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, जो कि देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि बारिश हो। वे क्या आप भी नहीं चाहते होंगे कि बारिश हो, क्योंकि ये मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है और पहले मैच होगा इन दोनों के बीच। ये दोनों टीम अभी नहीं दे चाहेगी कि हमारे बीच जो रिजल्ट निकले। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने पूरे के पूरे वेदर रिपोर्ट के बारे में, जिसको देख के हमें साफ पता चलता है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि मैं इस वीडियो में प्लेइंग 11 के बारे में बात नहीं करूँगा,
क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आप गिब्बिया को अच्छे से जानते नहीं होंगे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता, तो इस कारण मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन श्रीलंका के ब्लैक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यानी ब्लैक लव के बारे में। तो श्रीलंका के ब्लैक लव को 30 प्रकार से होने वाली है। पहला बब्बै के बटो विशा का, वही दूसरे बब्बै के कुशल पहरा। मैं यहाँ पे लिख रहा फल गया, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुशल पहरा हमें विकेट कीपिंग का तो नजर आने वाले है, वही तो बैट्स तो ही है। साथ ही साथ बब्बै जो ओपनिंग का तो नजर आने वाले है, वही तीसरे बब्बै के पारू का राजा बख्श जो कि हमें बैटिंग का तो नजर आएंगे। वही चौथा बब्बै के धनंजय डी सिल्वा जो कि हमें बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग का तो नजर आएंगे। वही पांचवें नंबर पे आएंगे अविष्का फर्नांडो, पहले ये ओपनिंग करते थे, लेकिन अब ये पांचवें नंबर पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे रन बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करा है और ये हमें बैटिंग का तो नजर आएंगे। वही छठे नंबर पे आएंगे चैतन्य सलगा जो कि हमें बैटिंग का तो नजर आएंगे। वही सातवें नंबर पे आएंगे तत्सु शरा का जो कि हमें बैटिंग का तो नजर आएगी ही। साथ ही साथ हमें कैप्टनसी का तो भी नजर आएंगे और कई की वर्ष तो ये फास्ट बॉलिंग का तो भी नजर आएंगे। वही आठवें नंबर पे आएंगे वरी 2000 रन का जो कि हमें बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग का तो नजर आएगी। नौवे नंबर पे आएंगे जमिका का रटर है जो कि हमें बैटिंग के साथ साथ फास्ट बॉलिंग का तो नजर आएंगे। वही दसवें नंबर पे आएंगे दुष्मता चवीरा जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलिंग का तो नजर आएंगे। और वही ग्यारहवे और आखिरी नंबर पे आएंगे अखिलेश रचैया जो कि हमें दोस्तों स्पिन बॉलिंग का तो नजर आने वाले है। तो ये तो बात कर ली हमने श्रीलंका के ब्लैक लवर के बारे में, तो कुछ जिस तरीके से रहने वाली है श्रीलंका के ब्लैक लवर। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने प्लेइंग इलेवन के बारे में, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग अपनी इसकी भी देख पा रहे हो कि श्रीलंका की परफॉर्मेंस जो कि रही है इनके अबू धाबी के स्टेडियम में, तो वो कुछ इस प्रकार से रही है। इन्होंने कुल 3 मैचेस खेले हैं अभी तक अबू धाबी के स्टेडियम में, जिस दौरान चौंकने वाली बात है कि वो एक भी मैच नहीं जीती है अबू धाबी के स्टेडियम में, इसको उल्टा यानी वो 3 मैच हारी है। इसको देखते थे दोस्तों हमें यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे श्रीलंका का बड़ा बिल्कुल भी भारी नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि ओडीआई में भी बिल्कुल की ऐसी हालत है, ओडीआई में ये 2 मैच जीते हैं वही 7 मैच हारे हैं। और वही टेस्ट मैच चाहे दोस्तों इनका अच्छा हो थोड़ा सा, लेकिन दोस्तों ये मैच अभी तक हारे रही है टेस्ट मैच में अबू धाबी के स्टेडियम में, यह भी थोड़ा सा अजीब सा है। टेस्ट मैच भी कैसे ड्रॉ हुआ है श्रीलंका का। मैं आपको बता दूं कि टेस्ट मैच में श्रीलंका ने कुल 3 मैच खेले, जिस तरह ये जीते हैं वही 2 मैच ड्रॉ हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे श्रीलंका का बढ़ना बहुत बुरा है। और वही मैं आपको बता दूं कि नामीबिया ने एक भी मैच नहीं खेला, फिर चाहे वो T20 मैच हो, ओडीआई हो या टेस्ट हो, तो यहाँ पे नामीबिया पहला कदम रखे कि अपने शेडअप है। तो दोस्तों ये मैच होने वाला है मौत मस्त, इस पर कोई तुराई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मैच, आप बैठ करके शुरू बता दे रहा। कोई बात की जाए मेरी, तो दोस्तों जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है तो मुझे लगता है कि अब श्रीलंका का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरा है। तो मुझे तो लगता है कि अब नामीबिया के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। वैसे तो आप सब लोग कहोगे श्रीलंका, लेकिन दोस्तों जैसे कि मेरे कशिक ने स्टेडियम का शर्ट्स देखा है तो मुझे श्रीलंका के शर्ट्स बहुत ज़्यादा बुरे लगे, इसका मैंने यहाँ पर नामीबिया को कहा है। और दोस्तों जैसे कि आपने कल देखा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस थे बांग्लादेश के जीतने के, लेकिन जीती स्कॉटलैंड। वैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर श्रीलंका के आप सब लोगों को जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अब नामीबिया के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मैच, तो हमें कमेंट करके बताई दोगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में।